रघु ठाकुर जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी एमरजेंसी की बात कर लेते हैं, 77 में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तो ये जो समाजवादी थे जो अलग अलग भटके हुए थे, फिर ये लोग जो एक जनता पार्टी में एक बैनर तले कैसे आए? जी 77 तो आए बाद में, 77 के 10 साल बाद जी ये बंटवारा हो गया जी, यहाँ बीकेडी बन गई जी, जी हम लोग यहाँ सोशलिस्ट पार्टी बन गई जी, उसमें मौजूद में डॉक्टर सब लोग वहाँ रह गए, कुछ लोग यहाँ हो गए जी। और 1974 में हिंदुस्तान में रेल की हड़ताल जी, मुझे याद है कि 8 मई 1974 जी जी मैं सागर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ था, करीब 450 रेल मजदूर हमारे साथ थे। और उस समय सबसे पहली बार सरकार ने, हम तो दूसरी बार जी, और लोगों को मालूम पड़ा था मीसा क्या होता है जी, हम तो सरकार ने मीसा में सबसे पहली बार गिरफ्तार किया था 1973 में जी। जब ये आपको याद हो शायद कि यूपी में सशस्त्र बल की हड़ताल थी जी जी, और अगर आपको याद हो तो ये भी याद होगा उस समय के जो मुख्यमंत्री थे होते स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी के इस जमाने में हुआ था, फिर त्रिपाठी की सरकार भंग हुई थी, तो उस समय हमने पूरे सरकार को समर्थन किया था जी। तो पहली बार हमको गिरफ्तार मीसा में गिरफ्तार हुए, पता था मीसा क्या होता है। फिर 74 में हड़ताल में गिरफ्तार हुए जी, वो 17 दिन की हड़ताल ने जी, वो दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, पर उस हड़ताल ने हिंदुस्तान की सरकार को हिला दिया, उसकी जड़ें कमजोर कर दी। यानी 71 का जो बहुमत मिला था इंदिरा गांधी को, उस बहुमत का जो ढांचा था वो ढांचा हिल गया जी, क्योंकि वो ऐसा आंदोलन था जिसमें 17 दिन पूरी रेलगाड़ियाँ बंद थी, हम लोग जेल में थे, सरकार खाली इंजन चलाती थी बताने के लिए कि साहब गाड़ियाँ चल रही हैं। 1,00,000 लोग शुरू में गिरफ्तार हुए थे, 3,00,000 कर्मचारी को लोग से निकाल दिया गया था, घरों के पाइप काट दिए गए थे, बिजली काट दी गई थी, घर से निकाल दिया गया था, तो सरकार हिल गई थी। और इसी बीच में फिर गुजरात में नौजवानों ने वहाँ महंगाई के सवाल का आंदोलन शुरू किया, हॉस्टल में खाने के रेट बढ़ा दिए गए, आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ा। उस आंदोलन में वहाँ के तमाम जो गांधीवादी लोग थे, सर्वोदय वाले लोग थे और तमाम पार्टी के सब लोग शामिल हुए। तो जयप्रकाश जी वहाँ समर्थन करने के लिए गए थे, और जयप्रकाश जी ने वहाँ जाके भाषण दिया जी कि आज गुजरात के नौजवानों ने मुझे राय दिखाई। उसके पहले बिहार के जो लोग थे जो नौजवान आंदोलन कर रहे थे, वो जयप्रकाश जी के पास गए थे कि आप हमारा नेतृत्व करिए जी, तो जेपी ने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं करेंगे। पर गुजरात के आने के बाद जेपी ने कहा हम तुम्हारे नेतृत्व में तैयार हैं। ऐसा गुजरात में क्या हुआ कि जेपी जो है कहेगी भाई हमें राह दिखाई युवाओं ने गुजरात के, ऐसा क्या हुआ था? इसलिए कि वहाँ गुजरात के नौजवानों का जो आंदोलन था वो गाँव गाँव फैल गया जी, महंगाई का जो सवाल है वो सवाल गाँव गाँव पहुँच गया जी, उस गांव गांव पहुंचने लोग खड़े हो गए नहीं महंगाई रुकनी चाहिए जी जी। और अंत में ये हुआ कि वहाँ बुराजी भाई उसको कूद पड़े, बुराजी भाई ने अनशन कर दिया, आमरण अनशन कर दिया, पंडित रविशंकर थे उस जमाने के सबसे बड़े मान्य गांधीवादी नेता थे गुजरात के, वो उस पर कूदे सबका समर्थन हो गया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गुजरात की सरकार को भंग करना पड़ा जी। तो इससे एक लगा कि नहीं ये जनता की ताकत है, आज जनता खड़ी हो जाए तो कोई बदलाव हो सकता है जी। तो वो प्रयोग फिर जेपी ने किया बिहार में जी, और जब बिहार में प्रयोग किया तो फिर बिहार के प्रयोग में 8 जून 1974 जी जेपी ने प्रदर्शन किया पटना में गांधी मैदान में। वहाँ सबसे पहले कहा कि अब जो हमारा आंदोलन है जी, ये खाली महंगाई के सवाल को लेकर नहीं है जी, ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है। तो उसे पूछा गया भाई कि ये संपूर्ण क्रांति क्या है जी, तो जेपी ने कहा कि हमारी जो संपूर्ण क्रांति कल्पना है ये लोहिया की सप्त क्रांतियाँ है जी, जो सात क्रांतियाँ, मतलब लोहिया जी की सप्त क्रांति को आगे बढ़ाया लोग ने जयप्रकाश जी, संपूर्ण क्रांति है और वो सात क्रांतियाँ इसके मुद्दे हैं जी 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 जी। तो वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। अब उसी आंदोलन के चलते उसी बीच में इलाहाबाद में हाईकोर्ट में मुकदमा था राजेंद्र कुमार जी 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 जी, जगमोहन सिन्हा जी उसके जज थे वहाँ पर, वहाँ इंदिरा जी चुनाव हार गई। तो अगर इंदिरा जी चुनाव हारने के बाद में इस्तीफा देती भी देना चाहिए था जी जी, तो शायद टकराव उसकी नहीं मिलती जी जी, परंतु उनने और उनके जो लोग थे उनका बेटा उसमें संजय गांधी जिंदा था, इन सब लोगों ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। और यहाँ एक रैली की दिल्ली में उस जमाने पर इसी पर रामलीला मैदान में जी, उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के देवकांत बड़ुआ, तो उन्होंने एक इदारा दिया कि इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया जी,
तो जयप्रकाश जी ने उसको उत्तर दिया था। जयप्रकाश जी ने कहा कि ये देवकांत बरुआ जो है ये तो दरबारी विदूषक है, जो दरबार में है विदूषक राजा खुश करने वाले, ये दरबारी विदूषक। तो वो जो टकराव हो रहा, उस टकराव के चलते श्रीमती गांधी ने सारी मर्यादाओं को तो रख के आपत्ता लगा दिया। लाखों लोग गिरफ्तार हो गए, हम सब लोग 25 रुपये लगता पास को भी गिरफ्तार किया, तो हम लोग गिरफ्तार हो गए। अच्छा, समय जो है अभाव है तो फिर थोड़ा संक्षेप में करना चाहूँगा। तो जो जनता पार्टी का गठन हुआ चुनाव जीतने के बाद में, किस तरह से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, किस तरह से गठन हुआ, कैसी पार्टी है, ये थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए क्या है कि एक तो मैं आपको बता दूँ पहले जी कि मैं उस जनता पार्टी के एक पार्टी बनाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं। अच्छा, आप पक्ष में नहीं थे जी। और मैं वो छोटा कार्यकर्ता था जी, मैं राज्य के स्तर का था जी। जी इंदौर जेल से हमने जयप्रकाश जी के पास पत्र पहुंचाया था जी। स्वर्गीय काशीनाथ त्रिवेदी जो सर्वोदय के बड़े नेता थे, गांधीवादी थे जी जी, गांधी के सत्ता के थे जी जी जी, उनके माध्यम से उन्होंने जेपी को पत्र दिया जी। और हमने उससे निवेदन किया था कि आप एक पार्टी को लड़वाइए, मोर्चा लड़की चौड़ रहे जी जी। पर जेपी को ये लोगों ने विश्वास दिला दिया कि भाई अगर एक पार्टी नहीं बनेगी तो थोड़ा नहीं आएंगे जी, ये आपत्ता हटेगा जी जी। तो जेपी नेता थे तो एक पार्टी बन गई। अब एक पार्टी बनने के बाद में चुनाव हुआ, चुनाव में जब हुआ तो उसमें दुर्भाग्य कहना चाहिए भी कि जो पार्टी लोकतंत्र के नाम पर जीत के आई थी उस पार्टी की शुरुआत ही एक अलोकतांत्रिक घटना से, अलोकतांत्रिक घटना से प्रकार से हुई कि जब नेता का सवाल आया चुनने का तो सांसदों को नेता चुनना चाहिए जी। परंतु लोगों ने जेपी को समझाया कि अगर चुनाव होगा तो पार्टी टूट जाएगी वगैरह वगैरह भी समझाया, और जयप्रकाश जी तैयार हो गए तो दो लोगों को अधिकार सौंप दिया गया कि भाई आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश जी मिलकर नामजद कर लेते थे जी, और मोरारजी भाई नामजद हो गए जी जी। तो मोरारजी भाई निर्वाचित अधिकारी थे, नामजद नेता थे वो जी 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 जी, लोकतांत्रिक आंदोलन की अलोकतांत्रिक शुरुआत थी जी जी। अच्छा, मोरारजी भाई की जब सरकार गिरी, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, संसद में क्या प्रकरण हुआ था भाई? सरकार गिरी और चौधरी चरण सिंह ने फिर उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई जिसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, जिस दिन इंदिरा गांधी को गृहमंत्री रहते हुए चरण सिंह ने गिरफ्तार करा, उनके सहयोग से सरकार बनाई जी। देखिए वो चौधरी साहब की मतलब मैं मानता हूँ उनकी कमजोरी थी और त्रुटि जी जी, उनके प्रति सारे सम्मान के बाद ईमानदार व्यक्ति थे जी जी, और गाँव के किसान के बड़े कल्चर थे, उनकी आर्थिक ईमानदारी को सवाल नहीं, परंतु मेरी ये समझ है कि उनको ये सरकार नहीं बनानी चाहिए जी। और हमारी जानकारी भी ये है कि जो उसमें हिस्सेदार रहे उस समय जनता पार्टी का भी महामंत्री था जी, और फिर लोकल का भी था जी। तो चौधरी साहब भी बंटवारा नहीं चाहते थे, जनता पार्टी तोड़ना नहीं चाहते। और हुआ क्या कि मोरारजी भाई की संगठन कांग्रेस जो जनता पार्टी में थी, चंद्रशेखर जी और जनसंघ, ये तीनों लोग मिल गए। इन्होंने मिलकर क्या किया कि जो चीफ मिनिस्टर से कोटा शुरू कर दिया, दिव्याज जी को हटाया जी, रामदास यादव को हटाया, खड़गू जी को हटाया जी, तो जो लोकल स्थानीय सांसद लोग थे उनका संबंध चीफ मिनिस्टर होता है, तो नेता मोहित भी चुके जाता है, तो सारे सांसद सारे इकट्ठे हो गए, इस्तीफा दिलाने का काम उन्होंने शुरू किया जी। तो ही चरसी ने तो पहले उसका विरोध किया जी, कहने नहीं इस्तीफा मत दो, पर जब कोई मान ही नहीं रहा इस्तीफा दे रहा है तो फिर वो चलो अभी साथ हो गए जी जी जी, तब सरकार बनी चरण सिंह की। अच्छा, अब जो है थोड़ा विराम की ओर हम जा रहे हैं इसकी, तो रघु ठाकुर जी आपका संघर्ष के जो है थोड़ा संघर्ष के बारे में, और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने आपने मिलकर बनाई, आप महामंत्री थे मुझे जानकारी है, मुलायम सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ऐसी क्या वजह रही मुलायम सिंह यादव को जमीनी नेता माना जाता है, धरती पुत्र माना जाता है, आपने उनसे नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बना ली? देखिए मुलायम सिंह जी के बारे में मेरे मन में पहले भी संदेह जी जी कि जब मुलायम सिंह उसके पहले चीफ मिनिस्टर थे जी, माने जनता दल के साथ नवासी में जी, तो शायद आपको याद हो कि एक फैक्ट्री थी सीमेंट फैक्ट्री, डाला सीमेंट फैक्ट्री जी, ये सोनभद्र के पास जी जी, डाला सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर संगठन है वो हिंदू किसान पार्टी का अभिनव था जी, पार्टी वाला जी, और मुलायम सिंह ने डाला सीमेंट फैक्ट्री संजय ढाबे को देती थी जी। यानी आप देखिए कि 112 करोड़ की सरकारी फैक्ट्री 3 करोड़ रुपया में उन्हें बेच दी, उस वक्त से भी कुछ सरकार ने सब्सिडी दे दी, कुछ बैंक का लोन हो गया, इसका विरोध हुआ, वहाँ गोली चली,
और 17 मजदूर या 13 मजदूर मारे गए। तो हमारी तो राय मुलायम सिंह के बारे कभी अच्छी नहीं थी, परंतु जब जनता दल की सरकार बनी और जनता दल की सरकार बनने के बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक थोड़ा रास्ता भिन्न प्रकार का अपनाया, तो उस रास्ते के बाद जनता दल टूट हो गई। और उस टूट के बाद में जनता दल अपनी जगह पर टिक नहीं पाया, तो फिर हमारे साथियों ने कहा भाई ऐसा है कि मुलायम सिंह का काम यूपी में है, तो बहुत से बात के लिए तो हम मुलायम सिंह से हमारी बात होती है। और जितने लोग उधर पर बैठे थे उनके घर पे करीब 70-80 लोग थे, सबके सामने उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई है, अब मैं नहीं करूँगा जी। तो हम धोखा हो, हम विश्वास के लिए हम लोग पार्टी बना लिए, वो अध्यक्ष बने, हम महामंत्री बने जी। और 93 के अंत तक अच्छा चला जी, संघर्ष चला जी। 93 के दिसंबर में चुनाव हो गया, 94 में फिर सरकार बन गई। सरकार बनने के कुछ दिनों बाद उनका फिर वही तरीका शुरू हुआ जी, उसको लेके हमारे उससे मतभेद शुरू हुए। अब एक उसमें मतभेद का कारण बना कि जो पार्टी कार्यकारिणी बैठक होना थी तो उन्होंने हमको एक दिन फोन किया कि इस तारीख के ऊपर बैठक की सूचना जारी कर दीजिए और लखनऊ बैठक होगी, और लिख दिए कि ये लोग दफ्तर संपर्क कर लें जी। तो हमने पूछा कि स्थान उठने के स्थान बाद कर लेंगे होगा, तो वहाँ जो ताज पैलेस है ताज पैलेस से बैठक की जी। हमने कहा कि भाई ये समाजवादी पार्टी बैठक है, अपन लोग लोहिया ट्रस्ट पे कर लेते हैं, आपके घर पे कर लेते हैं। उस समय तक क्या अमर सिंह जुड़ चुके थे समाजवादी पार्टी से? नहीं, अमर सिंह तो तब तक हमने पार्टी का नहीं लिया जब तक हम थे, जब तक आप थे जी। जी वो तो हमारे आने के बाद ये सब फिर शुरू हुआ जी जी जी। तो इस पर से उनको आपत्ति हुई। फिर दूसरा क्या हुआ कि उनको कुछ मित्रों ने सलाह दी कि आपको प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करना चाहिए, तो अपन ऐसा करो कि विदेश चलो। तो एक हवाई जहाज में ऐसे 100-150-200 उद्योगपतियों को लेकर वो गए लंदन। वहाँ से लौट के आए तो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उस बैठक में उन्होंने एक अपने भाषण में कहा कि हम वहाँ गए थे और वहाँ हमारी उद्योग नीति बड़ी तारीफ हुई जी। उस उद्योग नीति का एक मुद्दा था विदेशी कंपनी आए और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर फंस गए जी। एक नंबर दो, हमारे देशी उद्योगपति से कोलोबरेशन करें। एक और सत्री में आपको बात बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा हूँ जी जी। तो हम चाहते थे पार्टी से वहाँ लगाए जी। तो चूंकि जब हम लोगों ने समाजवादी पार्टी बनाई थी उस सम्मेलन में जो नीति वक्तव्य तय किया था उसका था कि केवल स्ट्रेटेजिकल क्षेत्र को छोड़ के सुरक्षा है, रक्षा है देश की, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह में विदेश कंपनी नहीं बनाई जाएगी। यही पेप्सी को लाई तो सब कंपनियाँ हैं। तो हमने कहा कि भाई ये प्रस्ताव तो हम मंजूर नहीं कर सकते, इसको लेकर डिबेट हुई। अब बहुमत उनके साथ था, पर बहुमत का मन हमारे साथ था जी। तो उन्होंने काफ़ी डिबेट की, फिर बाद में उन्होंने जब खाने का समय आया उसके साथ कि सब ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे, एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी विचार कर लें। इस कमेटी में मैं था, मेरे सदस्य थे और राम गोपाल जी थे। तो खाने के बाद में जो दरअसल के साथ में बैठे, दरअसल जी बोले यार मंजूर कर लो, अब वहाँ वायदा कराए। तो हमने कहा कि देखो दरअसल जी ये सवाल सिद्धांत है और मूल सिद्धांत का नीति का सवाल है, कोई सामान घटे होते फिर कर लो कोई बात नहीं जी। और हमारा प्रस्ताव तो सीधे जाएगा क्योंकि हम अकेले वोट देने वाले, हमने कहा आप भी हमें वोट दे रहे हो जानते हैं जी, कि आपको भी सरकार पर साथ रहना है, राजनीति चाहिए हमें चाहिए नहीं, आप प्रस्ताव पर कर लो बहुमत से। पर मुलायम सिंह जी ये नहीं चाहते थे कि बहुमत से प्रस्ताव हो और एक भी वोट खिलाफ जाए जी। तो पहली बार उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस किया जी। तो मुलायम सिंह गई तो तलाश में कब का मौका पाया जाए। तो अच्छा, अब ये लोकसभा चुनाव हुए रघु ठाकुर जी भाई, इसमें समाजवादी पार्टी की 37 सीटें हैं और अब तक का जो है सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है माना जा रहा है समाजवादी पार्टी में, जबकि ये माना जा रहा था कि भाई अखिलेश यादव के हाथ में जब से पार्टी आई है लगातार कमजोर हो रही थी। तो ये जो समाजवादी पार्टी ने इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल की इस लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस भी 99 सीटें लाई, जबकि ये माना जा रहा था, एनालिसिस भी इस तरह के आ रहे थे, सर्वे भी इस तरह के आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने दम पर प्रचंड रूप से सरकार बना लेगी। तो ये जो इस समय समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई, क्योंकि आपका मुलायम सिंह यादव की नीतियों को लेकर आपका विरोध रहा है,
आज की जो समाजवादी पार्टी है या आरजेडी है, या ये कहे कि आज के जो समाजवादी हैं, जो अपने को समाजवादी बोलते हैं, उन्हें कहाँ पा रहे हैं, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत का श्रेय आप किसे मानते हैं? जी देखिए, मैं तो मानता हूँ जी कि ये जो चुनाव इस बार हुआ है जी, इस चुनाव में आम जनता ने देश की भाजपा के साथ वोट किया जी। हम लोग चाहे जो कहें, हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग के साथ गाँव के आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है जी, तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि लोगों ने सदैव अपने राष्ट्रीय समस्याओं या सवालों को देख के वोट किया है जी। वो 62 के बाद भी किया, 70 में जब जनता पार्टी बनी तब कोई कहते नहीं था, कोई कांग्रेस की रिपोर्ट तो थी कि भाई कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तब भी किया जी। आपके 89 में किया और अभी भी किया, एक तो बड़ा आश्रय जनता का जी। दूसरा, अखिलेश जी ने इस बार एक समझदारी काम किया कि उन्होंने जो टिकट का वितरण किया तो उन्होंने लोहिया कर्पूरी जी की जो लाइन थी उसको लिख दिया जी। इसमें उन्होंने जो उनके ऊपर आरोप लगता था परिवारवाद का, जातिवाद का जी जी, उसको सीमित कर लिया, और दूसरी जो कमजोर जातियाँ पिछड़ी जातियाँ थी उनको टिकट दिया, जिससे एक हिस्सेदारी बढ़ा जी जी जी, और भाजपा का आधार घट गया। तो ये जो सफलता है, सफलता को इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने जो सामाजिक नीति का बदलाव किया है जी जी, और आपके ऊपर से परिवारवाद और जातिवाद के सीमित किया है जी, इसका लाभ आपको मिला है, ये सफलता है। अब इसमें और भी भीतरी कारण हो सकते हैं जी जी। अच्छा रघु ठाकुर जी, एक प्रश्न ये भी बनता है इस समय, आने वाले समय में आप जो राजनीति है देश की किस ओर देख रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है राजनीति में पूंजीवाद का जो है बड़ा बोलबाला हो गया है, बाहुबली जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, या ये कहा जाता है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं वो राजनीति की आज की तारीख में सोच नहीं सकता, और विशेष रूप से ब्यूरोक्रेट जो है पहले दोनों हाथों से धन बटोरेंगे, उसके बाद वीआरएस ले लेंगे और किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक धारणा बन चुकी है भाई, जमीनी आदमी जो देश समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसके पास पैसे का अभाव है, वो आज की तारीख में राजनीति में जाना सोच भी नहीं सकता है। तो आने वाले की जो राजनीति है देश की, आप किस ओर देख रहे हैं, और इस राजनीति से देश का कितना भला होने वाला है? देखिए, अभी तो देश दो ध्रुवीकरण में जा रहा है जी। मैं ऐसा मानता हूँ जी कि ये दो दलीय ध्रुवीकरण देश के अच्छा है जी, इसलिए कि दोनों पार्टियाँ जो मुख्य पार्टियाँ हैं वो दिमागी तौर पर कॉर्पोरेट पार्टियाँ हैं जी, और जो पूंजी पैसे को लेकर जो आज भाजपा कर रही है, इसकी शुरुआत कांग्रेस से की थी जी, WWE अग्रीमेंट जो है कांग्रेस से किया था, विदेशी कंपनी लाने का उन्होंने शुरू किया था जी। अब भाजपा उनसे बड़ी सिद्ध होगी इसमें जी, तो कांग्रेस गुरु थी तो गुरु घंटाल हो गए जी, इससे हटकर के समाजवादी विकल्प बनाना पड़ेगा जो देश के लिए जरूरी है जी, क्योंकि ये दोनों जो ढांचे हैं ये ढांचे देश के लिए कोई बुनियादी बदलाव का रास्ता नहीं बता सकते जी। निस्संदेह अभी थोड़ा पैसे का पूंजी का प्रभाव बढ़ा है जी, और समाजवादी आंदोलन कमजोर लग रहा है क्योंकि बिखराव बहुत हुआ है जी, कुछ बिखराव हमारे NGO के लोगों ने भी कर दिया है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनके सामने के नया आकर्षण आ गया है कि भाई पैसे मिल जाएंगे जी, सुविधा से काम करो। अब इस सब में एक विचार की पार्टी को खड़ा करना है, ये कठिन काम तो है, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने लक्ष्य को अपने विचार को लेकर काम करना चाहिए। इसमें सफलता ये नहीं है कि आप सरकार में पहुंच गए, अगर आप आज खड़े होकर लड़ रहे हैं तो ये भी सफलता है जी। आज की तारीख में अगर आप बगैर पैसे के खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं तो ये भी मैं सफलता ही मानता हूँ जी, तो दिमाग पर तो चोट पहुँचेगी, तो अगर कुछ लोग बढ़ेंगे इस प्रकार से तो मुझे लगता है कि विकल्प खड़ा होगा, और जो एक रणनीति का दुरुपयोग लोगों ने किया अगर कांग्रेसवाद के, आजकल कुछ लोग लोहिया को इसके लिए आलोचना करते हैं या जयपाल सिंह करते हैं, मेरा कहना ये व्यर्थ है, आप अपनी क्षमता सिद्ध करो, उन्होंने जो किया उनके दौर की रणनीति थी, कोई सिद्धांत तो था नहीं जी, आप उसके बदलो। अब जैसे अभी ये गठबंधन बना है, आप इस गठबंधन में जरा बताइए कि कौन से सिद्धांत क्या करते हो, घोषणा पत्र भी एक नहीं हुआ, अलग अलग घोषणा पत्र सत्ता के लिए है जी, और दूसरा कांग्रेस पार्टी निसंदेह है बड़ी पार्टी के रूप में आई है, 99 पहुंच गई है,
परंतु कांग्रेस पार्टी किसको हरा के आई? केरल में 20 सीट हारा कौन है? सीपीएम जी। तो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथियों को हरा के आ रही है, तो इससे बदलाव क्या होगा? मतलब एक तरह से समाजवादी विकल्प की जरूरत है देश में, जरूरत है और जी। काम करने की जरूरत है जी। और मैं तो कहता हूँ जो भी समाजवादी लोग हैं, जो लोहिया को गांधी को मानने वाले लोग हैं जी, उनको अब ये एनजीओ छोड़ देना चाहिए जी। इस पर कोई बनने वाला नहीं ये सब पूंजीवाद के ही सब ढांचे हिस्से हैं। ये दुनिया में चल रहा है, यूरोप में, अमेरिका में, ये सब एनजीओ का उसका हिस्सा है। उनको सीधे एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहिए। हम तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को दावत देते हैं, कोई पद का झगड़ा नहीं, कोई महत्व का झगड़ा नहीं। हम लोग उनके पद के अवसर करें, हमने भी इच्छा से अपना पद छोड़ा कि भैया हमको नहीं, बहुत हो गया तो ये करो जी। जी रघु ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये जो है रघु ठाकुर जी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक, और डॉक्टर लोहिया जी के साथ में काम किया, लोकनायक जयप्रकाश जी के साथ में काम किया, इमरजेंसी में जेल में बंद रहे, मुलायम सिंह यादव ने जो पार्टी बनाई तो उनके साथ में महामंत्री थे, एक तरह से ये कहे कि दूसरे नंबर के नेता थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की नीतियाँ भी पसंद नहीं आई, छोड़ दी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के बैनर तले जो है इस समय विचारधारा पर, समाजवादी विचारधारा पर जोर देते हुए काम कर रहे हैं, और कहना कि देश में समाजवादी विकल्प की जरूरत है। यदि समाजवादी ईमानदार से आगे बढ़कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश में समाजवादी विकल्प जो है तैयार होगा। अब देखना होगा समाजवादी विकल्प तैयार होता है या नहीं होता है, किस तरह की राजनीति देश में जो है देखने को मिलती है। फिलहाल इस डिबेट को जो है यहीं विराम देंगे। देखते रहिए दानिश टीम।